नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं तीसरी बार, क्योंकि कांग्रेस और इंडिया आघाड़ी की हो गई है हार। मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे बार बार बार। हमारे संजय जी है, संजय जी हमने आपको जेल में नहीं डाला था, नहीं नहीं हमने नहीं डाला था, ईडी ने डाला था। संविधान बदलेगा ये प्रचार झूठा था, संविधान बदलेगा ये प्रचार झूठा था, क्योंकि कांग्रेस ने सारा देश लूटा था। माननीय मोदी जी ने दिया है 80 करोड़ गरीबों को रेशन, माननीय मोदी जी ने दिया है 80 करोड़ गरीबों को रेशन, इसलिए माननीय राष्ट्रपति जी का बहुत ही अच्छा था अभिभाषण। मोदी जी कर रहे हैं मजबूत नेशन, मोदी जी कर रहे हैं मजबूत नेशन, इसलिए मैं यह दे रहा हूं आपके सामने मेरा भाषण। नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं तीसरी बार, क्योंकि कांग्रेस और इंडिया आघाड़ी की हो गई है हार। मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे बार बार बार, और कांग्रेस की हो जाएगी हार हार हार। संविधान बदलेगा ये प्रचार झूठा था, संविधान बदलेगा ये प्रचार झूठा था, क्योंकि कांग्रेस ने सारा देश लूटा था। राहुल गांधी का प्रधानमंत्री बनने का सपना 4 जून को टूटा था, राहुल गांधी का प्रधानमंत्री बनने का 4 जून को सपना टूटा था। और मोदी जी के खिलाफ वन सेकेंड इंडिया आघाड़ी जी का प्रचार टूटा था। एक सेकेंड और यही है कि जो व्यक्ति दूसरे सदन का सदस्य हो उसके बारे में कोई आक्षेप नहीं लगाया जा सकता, और उसका आक्षेप नहीं लगाया सकता, उसकी चर्चा नहीं हो सकती, क्योंकि वो अपनी बात की सफाई देने के लिए यहाँ पे मौजूद नहीं है। तो मेरा विनम्र निवेदन है कि नाम चूंकि राहुल गांधी जी का लिया है तो उसे कार्रवाई से निकाल। ऑनरेबल मिनिस्टर प्लीज अवॉइड, प्लीज टेक योर सीट। यस हाँ बोलिए सर। हाँ तो सर जी मैंने इतना ही बोला था कि सपना धोरा होता है, ऑनरेबल मिनिस्टर चाहिए सपने में जीना ही अपना काम ही है। ऑनरेबल मिनिस्टर, और इसीलिए मतलब हम इतना ही बताना चाहते हैं कि संविधान के संबंध में बहुत बड़ा ब्लैकमेल करने का काम किया था, जनता में फूट पैदा करने का काम किया था। जिन लोगों को जेल में डाला था ये सब लोग एक साथ आए थे। हमारे संजय जी है, संजय जी हमने आपको जेल में नहीं डाला था, नहीं नहीं हमने नहीं डाला था, ईडी ने डाला था। आपके बारे में आदर है, अन्ना हजारे जी हमारे महाराष्ट्र जी आते हैं, अन्ना हजारे साहब के साथ मेरे संबंध बहुत अच्छे हैं, अरविंद केजरीवाल जी उनके आंदोलन से आगे आए हैं, और भ्रष्टाचार के खिलाफ आपने आवाज उठाई है। आम आदमी पार्टी है, आप पार्टी है, आपने काम अच्छा किया था, लेकिन थोड़ी गड़बड़ हो गई इसीलिए ऐसा हो गया। अब इसीलिए ठीक बात है, तो इसीलिए हमारा कहना इतना ही है कि संविधान के बारे में बाबा साहब अम्बेडकर जी ने संविधान लिखा है। जिस बाबा साहब अंबेडकर जी ने संविधान लिखा, आज बाबा साहब का नाम लिया जाता है, संविधान का किताब दिखाया जाता है, लेकिन मैं इतना बताना चाहता हूं ये कांग्रेस पार्टी ने बाबा साहब को 2 बार हराया था। 1952 में मुंबई में लोगलो मतदार संघ से बाबा साहब को हराया था, 1954 में भंडारा जी बाबा साहब को हराया था, और बाबा साहब अंबेडकर जी को भारत रत्न नहीं दे दिया था, बाबा साहब का फोटो सेंट्रल हॉल में नहीं लगाया था, और आज बाबा साहब की बात करते हैं। आज आप संविधान दिखाते हैं, संविधान दिखाओ, लेकिन संविधान के जैसा आपको बर्ताव करने की आवश्यकता है, और इसीलिए संविधान कोई बदल नहीं सकता है। नरेंद्र मोदी जी माता देकर शपथ लेते हैं, 26 नवंबर 1949 को संविधान का ड्राफ्ट बाबा साहब ने
आदेश दिया था तो वो दिन मोदी जी संविधान दिन मनाते हैं और आप बोलते हैं भाई संविधान बदले गए, मोदी जी ने बाबा साहब के काम इतने पूरे किए हैं, मुंबई में हिंदू मिल के जगह पर 3,600 करोड़ की जमीन बाबा साहब के मेमोरियल दी है और वहाँ 1200-1300 करोड़ का मेमोरियल बन रहा है। डॉक्टर अंबेडकर फाउंडेशन आपने बनाया था, कांग्रेस पार्टी ने बनाया था, लेकिन वो खाली ऑफिस ही था। मोदी जाने के बाद वहाँ इतनी बड़ी बिल्डिंग बन गई है जहाँ बाबा साहब ने संविधान लिखा, वो 26 अलीपुर रोड पर इतना सुंदर मेमोरियल बन चुका है। इतने काम करने वाले मोदी जी संविधान कैसा बदल सकते हैं? वो कांग्रेस को बदल सकते हैं लेकिन संविधान नहीं बदल सकते हैं। तो संविधान बदलना इतनी मामूली काम नहीं है और उसमें अमेंडमेंट करना इसका मतलब संविधान बदलना नहीं है। बाबा साहब अम्बेडकर जी ने संविधान सभा ने ही अमेंडमेंट करने का अधिकार पार्लियामेंट को दे दिया है और जब भी मतलब नया कानून बनाना होता है, पुराने कानून में कोई मतलब अमेंडमेंट होती है, वो अधिकार पूरा अपने को होता है। और इसीलिए मुझे लगता है वो संविधान बदलना ऐसा नहीं बोलते हैं लेकिन आप लोग इसी तरह का काम प्रचार कर रहे हैं। सब इतने नेता मोदी जी को हराने के लिए इकट्ठे आए हैं लेकिन तुम मोदी जी को हरा नहीं सकते है, मैं मोदी जी के साथ हूँ। मतलब ठीक बात है, आपको लोकतंत्र में अधिकार है, आपकी सीट ज़्यादा ये अच्छी बात है और आप इतनी ज़्यादा सीट ना आए कि आप उधर ही रहे और हम इधर ही रहे, मतलब ऐसा भविष्य में होगा तो ठीक बात है। तो अगले बार भी आप ट्राई करिए लेकिन आज जो राष्ट्रपति का अभिभाषण है इसका मेरी जो रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया है, बाबा साहब अम्बेडकर जी की स्थापित हुई पार्टी है, इस पार्टी की तरफ से मैं मतलब इस अभिभाषण का सपोर्ट करता हूँ और अपोजिशन को इतना ही बताना चाहता हूँ कि मोदी जी स्ट्रांग नेता है, मोदी जी मजबूत नेता है, मोदी जी के साथ इतने हमारे लोग हैं और तुम कितनी भी कोशिश करो लेकिन मोदी जी हारेंगे नहीं, वो तुमको हराएंगे।